कल्याण जी, आमिर कासिम जी, बबलू प्रधान जी और मुंशी पहलवान गुरु हनुमान भाई, सभी लोग हट जाए, सभी लोग हट जाए, कुछ निकाल दे। कृष्ण पहलवान भैयापुर सोनीपत भाई, जब तक बैठे कुश्ती स्टार्ट नहीं होने की, घूमता कुश्ती होने की नहीं ऐसे भाई, सब बैठ जाए, व्यवस्था बनाने वाले बैठ जाए धीरे से। फिर पहले सब लोग बैठ जाए, 20 मिनट होगा, ये पुलिस के बंधु भी एक्साइट हो जाए भाई, जाओ कभी नीचे बैठ जाओ, ये पुलिस वाले घूमते रहो भाई, कोच साहब एक नीचे बैठ जाओ भाई, खड़े ना रहो, सभी से निवेदन है सब बैठ जाओ, बैठ करके आनंद लो कुश्ती का। ऐसा साहब आपसे निवेदन है, आप ही चल ले, आप भी कुश्ती का आनंद ले एक बार भाई। ये कुश्ती है सबसे दंगल की टॉप कुश्ती, और 4 लाख की कुश्ती है, 4 लाख की, और हिंदुस्तान की भी टॉप की कुश्ती है। दन्ना पहलवानों का ये कहना है कि हमारे लिए तो ओपन कर दो सब कुछ, खड़े की जान भी, पड़े की भी, लोटे की भी, गोटा भी, सोटा भी, सब बहुत जोरदार तालियां, अरे तालियां, बहुत बढ़िया। कुश्ती का समय 20 मिनट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बैठ जाए लोग, बैठ जाए जो घूम रहे हैं वही बैठ जाए। पब्लिक देखते हैं कुश्ती, ध्यान से डिस्टर्ब होता है पब्लिक को। सब पब्लिक की सुविधा के लिए है ये, इतनी बड़ी बड़ी कुश्ती हमारे क्षेत्र की पब्लिक देखे और अपने बच्चों को भी कुश्ती से जोड़े, राष्ट्र ऐसे ही मजबूत होगा। ये ऐतिहासिक कुश्तियां होती है, ऐतिहासिक हमेशा याद रखी जाती है कि उस समय में वहां पर वो कुश्ती हुई थी। ये इस तरह के पल हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं। ऐतिहासिक दंगल श्री सत्येंद्र बालियान जी, अरुण बालियान चेयरमैन साहब, अपने निजी खर्च पर पिछले वर्ष की बात ही कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी अपने निजी खर्च पर उन्होंने पूरा दंगल कराया था, और इस वर्ष भी अपने निजी खर्च पर पूरा दंगल करवा रहे हैं। किसी का 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया है, अपने निजी खर्च से वो दंगल का आयोजन करवा रहे हैं। एक बार पूरे परिवार के लिए ताली बजा दो भाई, जोरदार ताली, जोरदार ताली। इतना शानदार दंगल, इतने बड़े बड़े पहलवान आपके क्षेत्र में इस परिवार ने बुलाए हैं, जोरदार ताली। ये देखिए
करेंगे, शराब के ठेके खोलेंगे तो अस्पताल भी खोलने पड़ेंगे, लेकिन खेलों के सेंटर यदि खोलते गांव गांव गली मोहल्ले में खेल कूद के सेंटर हो तो अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं, पुलिस कोर्ट कचहरी की जरूरत भी नहीं इतनी। गांव गांव गली मोहल्ले में प्राइमरी स्कूल की तरह खेलों के सेंटर खोल दिए जाने चाहिए, ना अस्पताल खोलने की जरूरत, ना डॉक्टर भर्ती करने की जरूरत, ना कोर्ट कचहरी थानों की जरूरत, पुलिस की जरूरत भी नहीं। कई हजार की है भीड़ और कितने ध्यान से कुश्ती देख रही है, खुद अनुशासक भी है, दर्शक भी है और अनुशासन खुद बनाए हुए है, ये होते है खेल की ताकत। पाकिस्तान जैसे कट्टरवादी देश में दोनों देश के में खिलाड़ी थे, इमरान खान और नवजोत सिद्धू, ये खिलाड़ियों की हिम्मत है कि पाकिस्तान में पूजा स्थल है सिद्धू का, वहां कॉरिडोर बनवा दिया गया कि कोई बात नहीं, पूजा स्थल सबके बराबर होते हैं, अब सिख लोग उस गुरुद्वारे में पूजा करने विशेष कॉरिडोर से जा सकते हैं पाकिस्तान में, वो हिम्मत खिलाड़ियों की थी, दोनों और खिलाड़ी थे इमरान खान भी और नवजोत सिद्धू भी। खेल बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत, और जितने लोग यहाँ पर हैं वो पहलवान हो या दर्शक हो या हमारे मंच पर सामाजिक कार्यकर्ता है नेता लोग, कहीं ना कहीं खेलों से जुड़े हुए हैं, इनका आशीर्वाद इनका प्यार हमेशा खिलाड़ियों के साथ रहा है, ये खेल की ताकत है, कितनी शांति से हमारे विनोद पहलवान जी हमेशा ही ग्राम गांव गांव घूमते हैं संयुक्त खेल मोर्चा के लिए, खेलते मिलते हैं अखाड़ा खोल करके बच्चों को कुश्ती कराइए। शाबाश चल सेना, बाहर से कोई ना बोले, आप आराम से शांति से बेहतरीन कुश्ती देखे, 4 लाख रुपए की कुश्ती, 4 लाख रुपए और अखाड़े पर 2 पहलवान कुश्ती लड़ते हुए, 3 रेफरी। भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से शांति से कुश्ती देखिए। 8 मिनट बाकी रहे कुश्ती के, 8 मिनट आठ मिनट 4 लाख 8 मिनट 4 लाख पहलवान नो सोचो कुछ, आयोजन के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, हौसले चाहिए, पैसे वाले तो एक से एक बुलाना पड़े हैं, एक से एक
धनाढ्य लोग पड़े हैं, लेकिन इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम के लिए जिगरा चाहिए। राहुल स्वामी जी हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों में हिम्मत के साथ लड़ते थे, हौसला बढ़ाते थे सबका। अनुज हैदरनगर जी को सा जी जी बिल्कुल बिल्कुल कि खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवा का रुख बदलता है। जी जी जोरदार तालियां हमारे को साहब के लिए। ऐसा ये परिवार है राहुल स्वामी जी और जितेंद्र प्रधान जी की याद में इस तरह के कार्यक्रम यही लोग करा सकते हैं। 6 मिनट बाकी है पहलवानों, 6 मिनट 4 लाख। कितना टाइम रहेगा कुछ साहब? हमारे बड़े बुजुर्ग बतावा सुभाष पहलवान जी भारत केसरी जब भारत केसरी बने जब भी डंडा मार दिया करते जाग तो बिठा ले एक आधा तम भी तो दिखा दो कुछ ना कुछ। ये बहुत अच्छे हैं।
बताओ जी कोच साहब टाइम बताओ, 2 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बोला की बैटरी, 1 मिनट। पहलवान 1 मिनट, क्वांटम हो सकती है अर्जित क्वांटम। हाँ भाई ढोलिया बंद हो जा भाई, ये हो गया समय समाप्त भाई, इन्हें एक एक डेढ़ मिनट का रेस्ट दिलवा दो भाई, झोटा भी थकता। हाँ जी नहीं, पॉइंट ले लगा, 1 मिनट का कुश्ती का टाइम है, जो पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट ले लगा 3 मिनट में वो विनर। धर्मेंद्र अपना व्यूज दो भाई, एक पॉइंट में कुश्ती होनी है, 3 मिनट में एक पॉइंट ले ले। हाँ कोच साहब, पूरा 3 मिनट का राउंड होगा, टोटल पॉइंट जोड़े हैं ना। हाँ टोटल पॉइंट, पहले पॉइंट पे पॉइंट नहीं ठीक नहीं होता। हाँ मैं यही कहना चाह रहा था, यही पूरा 3 मिनट का राउंड है। हाँ पूरा 3 मिनट का एक राउंड, और फिर पॉइंट जुड़ेंगे, टोटल जिसके ज्यादा होंगे वो जीते। पहले पॉइंट पे कोई आधार नहीं बन सकता जीत का। भाई शोकिंदर पहलवान जी की भी सुन लो, भाई क्या ले भाई, एक 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 पॉइंट कोई भी ले लो वही जीत जाएगा, चाहे वो एक पॉइंट ले भाई। उनका 3 मिनट में जो ज्यादा पॉइंट लेगा, पहला पॉइंट जो 3 मिनट में लेगा, हमारे मंच पर जो भी राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि यदि खेल कूद पर पैसा बढ़ा दिया जाए बजट में, तो सरकारी अस्पताल खोलने की और पुलिस पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ने की, ना अपराध होंगे ना बीमारियां बढ़ेगी। गारंटी के साथ यदि खेल कूद का बजट बढ़ा दिया जाए, प्राइमरी स्कूलों की तरह खेल कूद होना चाहिए, प्राइमरी स्कूलों की तरह, प्राइमरी स्कूल में गांव गांव में पांच पांच हजार बोलो बोलो। साहब 3 मिनट का ही राउंड है, जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे। हाँ बिल्कुल 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 यही ठीक है जी। हमारे सुभाष वर्मा जी हमारे और धर्मेंद्र को साहब कराओ जी कुश्ती। हमारे सुभाष वर्मा जी का भी यही सुझाव था, शोकिंदर तोमर जी का भी यही सुझाव था, तो आप कौन सा था रहता बाहर है जी, हमारा भी यही हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। बहुत ही जितना धन्यवाद दिया जाए पब्लिक का उतना कम है, पब्लिक कितनी शांति से कुश्ती देख रही है, कोई जरूरत नहीं पुलिस को जरा सी भी एक्टिविटी करने की, आराम से मोबाइल में वीडियो बनाए और कुश्ती का आनंद ले।
और हमारे आमिर कासिम साहब, सतेंद्र बालियान जी भी आराम से बैठ गए कुश्ती का आनंद लेते हुए। भाई पांचों कुश्ती है, दाढ़ी दिखाओ जो कोई पांचों कुश्ती चल रहे। नियम कादे पॉइंटो वाले होंगे भाई, वही रूल रेगुलेशन ओलंपिक वाले। आप धोपी निकाल कलाजंग साल तो खपचड़े देगा, भारंदाज खेमे कुछ भी कर सकते हो। धर्मेंद्र खलीफा जी ध्यान रखें, कोई भी गंगा रोम नहीं चाहिए आपके द्वारा। दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने भी हो जाएगा। एक मिनट होली, दो मिनट रहेगी भाई। भाई तेज चलाओ, तेज कुश्ती तुम्हें फायदा है क्या भाव है? पॉइंट लो जल्दी। भाई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसी रेगुलेशन से होगी। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोच रेफरी धर्मेंद्र, वो पैसिविटी भी दे देंगे आपको। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो उसी नियम कायदे से कुश्ती होगी जो ओलंपिक में होती है। पॉइंट ले 30 सेकंड दो ना धर्मेंद्र, ऐसी बात हुई तो वार्निंग दो, 30 सेकंड दो, छुट्टी करो। आप कर ही नहीं रहे कुछ। कोई नहीं, ये बात गलत है, अगला भी तो कुछ ना कर गया वो। चटाई छत्री की चाल हो रही है पॉइंट भी। तेज चलो भाई, टाइम कम है, 30 सेकंड बाकी है जी। भाई अरे कहाँ को चली गई मेरी नजर। चल जरा चल, पॉइंटों के आधार पर भी निर्णय नहीं कर सके धर्मेंद्र भाई, क्या होगा? पॉइंटों का फिर भी निर्णय लेंगे कुछ ना कुछ करवा के तो छोटा यार पारी। ठीक है ठीक है, जोरदार तालियां। देखो भाई 4 लाख की कुश्ती है, हारने वाले को भी लाखों रुपए मिलेंगे, हारने वाले को भी लाखों, ये बहुत बड़ी बात है। हर बार तो रिजल्ट तो आना ही चाहिए। कौन साहब? हाँ बोलो। कंटिन्यू 23 मिनट हो गए लड़ते हुए, और इनका पैसिविटी भी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, पैसिविटी के आधार पर कुश्ती चलेगी जाके। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम बताओ नेक्स्ट टाइम, अगला टाइम बताओ। 3 मिनट तो पूरी होगी, 2 मिनट और दे दिए। ऐसा है, पैसिव की कुछ नहीं होगी, पैसिव। 4 लाख का मामला है, कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा भाई। हारने वाले को भी मेरे ख्याल में 1 लाख रुपए मिलेंगे। भाई जनता भी तो बताओ क्या चाह रही। आर पार ही होगी भाई, ये दोनों से तय होगा, अगली बात आर पार होगी। फैसला तो होगा भाई, निर्णय तो लिया जाएगा, बिना फैसले के नहीं छोड़ लेंगे हम। धर्मेंद्र शुरू में ही पैसिविटी दे दो, फिर कुश्ती देखो कितनी फर्क चलेगी। शुरू की मिनट में दे दो,
दो मिनट का टाइम और दिया गया है। हाँ कौन सा बोलिए। दोनों पहलवान ये कह रहे अगजी और तो कमेटी का निर्णय होगा, लेकिन हम थक गए दोनों, हाथ खड़े करके दोनों पहलवान लोग हमारी कुश्ती बराबर रहने दो। चलो देख लो, ठीक है, ऐसा कर लो, बड़े कमेटी ने भी ऐसा कर लो, अब कुश्ती बराबर रहेगी। हमारा मलिक साहब के सही कह रहे, ठीक है।